नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उपमन्यु गुप्ता और आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है ऑफिशियल महाजन। दोस्तों, आज का हमारा जो ये चैप्टर है इसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके दोस्तों, चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। दोस्तों, कंपोनेंट होता है किस किस चीज़ों से एक मिक्सचर बना है, ठीक है दोस्तों, इसको हमें सेपरेट करना क्यों ज़रूरी होता है दोस्तों, और इसमें गिव टू एग्जांपल्स देनी है दोस्तों। सबसे पहली बात है, ज़रूरी इसीलिए होता है क्योंकि मिक्सचर के अंदर जब भी कंपोनेंट होगा उसमें बड़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होंगी, बड़े सारे हार्मफुल सब्सटेंस होंगे, तो उसको रिमूव करना ज़रूरी होता है, ठीक है दोस्तों, यही इसका आंसर आएगा। तो आंसर में मैंने ये लिखा हुआ है, वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर टू रिमूव अनवांटेड पार्टिकल और हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम द मिक्सचर, ठीक है दोस्तों, बस इतना सा आंसर है। और जैसे दो एग्जांपल आगे, जैसे स्टोन फ्रॉम राइस, क्योंकि देखो ना, हम राइस के साथ स्टोन तो खाएंगे नहीं दोस्तों, ठीक है, स्टोन एक हार्मफुल सब्सटेंस है, उसे ज़रूरी है उसे सेपरेट करना, ठीक है दोस्तों। सेकंड आ गया डस्ट फ्रॉम वाटर, अब हम डस्ट वाला पानी पियेंगे, नहीं पियेंगे, डस्ट को सेपरेट करना ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज़ विनोइंग, वेयर इज़ इट यूज्ड। दोस्तों, सबसे पहले विनोइंग में आपको बता देते हो दोस्तों, विनोइंग इज़ यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। दोस्तों, ये चाहे हैवियर कंपोनेंट हो चाहे लाइटर, ठीक है, कंपोनेंट मैंने अभी आपको बता दिए, जैसे कंपोनेंट में सब कुछ आ जाता है, इम्प्योरिटीज़ प्योरिटीज़ सब कुछ कंपोनेंट हो गए, किस किस चीज़ों से मिलकर कोई एक सब्सटेंस बना है, ठीक है दोस्तों, कोई भी एक सब्सटेंस हो, ठीक है, वो किस किस चीज़ों से बना है, वो हो गया उसका कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, मिक्सचर वही हो गया किस किस चीज़ों से मिलकर बने हैं कंपोनेंट्स, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है दोस्तों। इसीलिए विनोइंग इज़ यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बाय, ये किससे होता है दोस्तों, विंड और बाय ब्लोइंग, हमेशा याद रखना दोस्तों, बाय विंड और बाय ब्लोइंग। दिस प्रोसेस इज़ यूज्ड बाय फार्मर टू सेपरेट लाइटर हस्क फ्रॉम हैवियर सीड ऑफ ग्रेन। दोस्तों, हस्क का मतलब होता है कोई भी ड्राई जो आउटर कवरिंग होता है ना सीड्स का, उसको बोलते हैं दोस्तों हस्क, ठीक है दोस्तों, जो भी आउटर होगा ना कवरिंग सीड्स का, उसको हस्क बोलेंगे, उस हस्क के पार्टिकल्स को ज़रूरी है फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ, तो थर्ड क्वेश्चन में लिखा है, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल फ्रॉम ए गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया था, हस्क हो गया जो आउटर कवरिंग का पार्टिकल है, जो कि डर्ट पार्टिकल होता है, ठीक है, उसे रिमूव करना ज़रूरी होता है। हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल फ्रॉम ए गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आएगा, हस्क और डर्ट पार्टिकल फ्रॉम ए सैंपल ऑफ पल्सेज आर सेपरेटेड बाई हैंड पिकिंग। हमेशा याद रखना, इस प्रोसेस का नाम है हैंड पिकिंग। अगर थोड़ा सा डिफाइन कर देना इसको, हैंड पिकिंग इज ए प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पार्टिकल्स बेस्ड ऑन साइज एंड कलर, जो उसके साइज और कलर पर पार्टिकल बेस्ड होंगे वहीं उसी को सेपरेट करने को बोलेंगे हैंड पिकिंग, ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर आएगा हैंड पिकिंग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज सीविंग, वेयर कैन इट बी यूज्ड। दोस्तों, सीविंग इज ए प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पार्टिकल्स दैट डिफर इन देयर साइज यूजिंग ए सीव। दोस्तों, हमेशा याद रखना, सीव एक टाइप की छननी टाइप होता है, जहाँ से इसको दोस्तों जैसे हम इसको थ्रू फिल्ट्रेशन जब हम करेंगे तो सीविंग के अंदर जो भी ऊपर जो उसका होगा ना, जैसे एक टाइप से छननी होगी, उसके ऊपर जो होगा फाइन पार्टिकल्स रह, उसके ऊपर उससे जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो पास हो जाएंगे, उसके होल्स से फाइन पार्टिकल पास हो जाएंगे और ऊपर क्या रह जाएगा दोस्तों, इम्प्योरिटीज़ रह जाएंगी। ये फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से होता है, ठीक है दोस्तों, इसीलिए सीविंग इज ए प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पार्टिकल डैट डिफर इन देयर साइज यूजिंग ए सीव, ठीक है, वेयर फाइन पार्टिकल पास थ्रू द सीव। और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कौन था, इट मेनली यूज इन फ्लोर मिल्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज लाइक स्टोन एंड हस्क, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। दोस्तों, हमेशा याद रखना, सैंड और वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर थ्रू द सेडिमेंटेशन प्रोसेस एंड डिकेंटेशन प्रोसेस। ओके दोस्तों, मैं अभी आपको ये दोनों प्रोसेस बताऊंगा होते क्या, हमेशा याद रखना, सैंड फ्रॉम वाटर इज सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, ठीक है दोस्तों। सेडिमेंटेशन दोस्तों वो होता है जब वो सेटल डाउन हो जाती है ना कोई भी चीज़, जैसे सैंड है, सैंड वो अब नीचे पानी के बैठ जाएगी, अगर वो नीचे पानी के बैठ गई तो उस प्रोसेस को बोलते हैं दोस्तों सेडिमेंटेशन, ठीक है। और जब वही पानी है जो हमने पोर कर दिए, पोर होता है डालना, अगर हमने दूसरे कंटेनर में डाल दिया तो उस प्रोसेस को बोलेंगे दोस्तों डिकेंटेशन, ठीक है। अब यही हमने लिखा है, यहाँ पढ़ो, फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, लीव द मिक्सचर स्टैंड स्टिल अंटिल सी सैंड सेटल एट द बॉटम। तब तक मिक्सचर को डिस्टर्बेंस नहीं करनी है जब तक कि मिट्टी जो है वो नीचे पानी के ना बैठ जाए, उसे ऐसे लीव कर देना, जब वो मिट्टी बैठ जाएगी तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। सेकंड हो गया दोस्तों, लेयर ऑफ सैंड एंड वाटर आर फॉर्म्ड इन
द कंटेनर जेंटली पोर द वाटर इन टू अनदर कंटेनर। मैंने दोस्तों आपको यही बताया, जो दूसरे कंटेनर में डालेंगे उसी चीज़ को हम बोल देंगे डिकेंटेशन, ठीक है। उसके बाद हम थ्रू फिल्टर पेपर इसको हम देख सकते हैं कि सैंड पानी में हो गई है या नहीं हुई है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लिखा हुआ है, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स्ड विद व्हीट फ्लोर, इफ यस हाउ विल यू डू इट। यस, इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट शुगर फ्रॉम व्हीट फ्लोर बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग। दोस्तों हमेशा याद रखना, बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग, एज द पार्टिकल ऑफ द व्हीट फ्लोर डिफर इन साइज विद शुगर, ठीक है दोस्तों। हमेशा जो साइज होगा डिफर करेगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बोला, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम ए सैम्पल ऑफ मडी वाटर। दोस्तों इसका सेम आंसर आएगा जो जैसे हमने पहले लिखा था, बस इसमें थोड़ी सी चेंजेस आएंगे। इसमें फिल्ट्रेशन के थ्रू होगा दोस्तों, पूरा कहने का मतलब सेम है। मैं आपको हिंदी में मतलब समझाऊंगा, पहले आप इंग्लिश में बता देता हूँ। क्लियर वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम मडी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। जो क्लियर पानी होगा ऑब्टेन होगा फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से। मडी वाटर इज अलाउड टू पास थ्रू ए फिल्टर पेपर। मडी वाटर अलाउ करेगा टू पास थ्रू ए फिल्टर पेपर। दोस्तों वेयर द मड इज कलेक्ट ऑन द फिल्टर पेपर, जैसे ही फिल्टर पेपर डालेंगे मड होगा, जो मिट्टी मड गंदा पानी टाइप जो होता है वो कलेक्ट हो जाएगा फिल्टर पेपर पे, और जो वाइल द वाटर इज पास थ्रू इट, ठीक है दोस्तों, जो पानी है वो पास कर जाएगा। मैं आपको इसका दोबारा से मतलब समझाता हूँ। इसमें दोस्तों सबसे पहले होता क्या है, वही उसी की तरह जैसे सैंड का करते थे, वैसे इसको भी हमने एक कंटेनर में डाल के रख देना है मड्डी वाटर, उसको कुछ समय तक डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या होगा, अपने आप कुछ समय के बाद जो मड होगा वो पानी के अंदर सेटल डाउन हो जाएगा, उस प्रोसेस को बोलेंगे दोस्तों सेडिमेंटेशन। उसके बाद जब वो सेटल डाउन हो गया तो दोस्तों ऊपर एक होता है क्लियर वाटर, जो ऊपर की लेयर होगी ना, यहाँ जो क्लियर वाटर मेंशन हुआ इसका मतलब होता है जो ऊपर की लेयर, जहाँ जब आपने मड नीचे सेटल हो गए, जो ऊपर पानी होगा वो हमेशा होगा क्लियर। इसीलिए दोस्तों यहाँ क्लियर वाटर की ये है अपर लेयर जो होगी वो क्लियर होगा, ठीक है दोस्तों। उसको हम पोर कर देंगे अगले अनदर कंटेनर में, जिस प्रोसेस को कहते हैं डिकेंटेशन दोस्तों, ठीक है। और बाकी ये जो फिल्ट्रेशन के कारण दोस्तों डिकेंटेशन हो गया, दूसरे कंटेनर में डाल दिया, बट अगर हमने सेपरेट किया तो हम फिल्टर पेपर लगा देंगे, फिल्टर पेपर में जितने मड होंगे आ जाएंगे और बाकी जो पानी होगा वो दूसरे कंटेनर में चला जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को कहेंगे फिल्ट्रेशन, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिल अप द ब्लैंक्स, ठीक है। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड, दोस्तों हमेशा याद रखना, थ्रेशिंग। व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग इज प्योर्ड ऑन टू ए पीस ऑफ क्लॉथ, द क्रीम इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन इट, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। दोस्तों हमेशा याद रखना फिल्ट्रेशन, ठीक है। तीसरा दोस्तों, सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ, याद रखना हमेशा दोस्तों इवेपोरेशन। डी पार्ट दोस्तों, इम्प्योरिटी सेटल एट द बॉटम व्हेन मडी वाटर वॉज कैप्ट ओवर नाइट इन ए बकेट, द क्लीन वाटर वॉज देन पोर्ड ऑल फ्रॉम द टॉप, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ दिस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। दोस्तों जो मैंने अभी आपको मतलब बताया, सेडिमेंटेशन हो गया जो वो सेटल हो जाता है, और डिकेंटेशन हो गया जब हम उसे पोर कर देते हैं टू द अनदर बीकर, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस क्वेश्चन में बताना है हमने, 9th क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स, ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। दोस्तों जो पानी और दूध होगा उसके फिल्ट्रेशन से सेपरेट करेंगे, नो दोस्तों फॉल्स। अगला दोस्तों, ए मिक्सचर ऑफ पाउडर सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग, फॉल्स दोस्तों। थर्ड है दोस्तों, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी, टी से हम क्या सेपरेट डन विद फिल्ट्रेशन से होगा, नो दोस्तों फॉल्स। डी है दोस्तों, ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, नो दोस्तों फॉल्स, ठीक है दोस्तों। पढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10, लेमनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर, ठीक है दोस्तों। यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट, शुड यू ऐड आइस टू द लेमनेड बिफोर और आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर, इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिजॉल्व मोर शुगर। दोस्तों हमेशा याद रखना, जितना ज़्यादा वार्म पानी होगा उतनी आसानी से शुगर डिजॉल्व हो जाएगी, शुगर कभी भी जल्दी डिजॉल्व ठंडे पानी में नहीं होती है, तो इसीलिए हम आइस हमेशा बाद पे डालेंगे, और आइस डालने से पहले ही हम शुगर डिसॉल्व कर देंगे पानी में वो, ताकि क्विकली हो जाए। वही हमने आंसर में लिखा है, वी शुड ऐड आइस ओनली आफ्टर डिसॉल्विंग शुगर इन लेमनेड, ठीक है दोस्तों। हमें आइस बाद पे ही डालनी चाहिए हमेशा लेमनेड के। तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, दोस्तों जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा कम कम होता जाएगा, सॉल्युबिलिटी जो उसकी घुलने की शक्ति है दोस्तों वो भी कम होती जाएगी। अगर
जितना टेम्परेचर हाई होगा, मतलब जितना वार्म वाटर होगा उतनी आसानी से शुगर घुल जाएगी, जितना ठंडा पानी होगा उतनी ही उसकी सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी, सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी तो पावर भी कम हो जाएगी उसकी डिजॉल्विंग की, ठीक है दोस्तों। विच एनेबल एज टू डिजॉल्व मोर शुगर बिफोर एडिंग आइस, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू दोस्तों।